चित्तौड़गढ़ के कपासन उपखंड के काकरवा गांव में हनुमान जी की प्रतिमा तोड़े जाने को लेकर नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि काकरवा गांव स्थित हनुमान मंदिर की प्रतिमा को अज्ञात लोगों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। इसकी शिकायत पुलिस में की, लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इसको लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से की है। इस मामले में दोषियों को पकड़कर कड़ी कार्रवाई की जाए। सनातन धर्म पर लगातार हमले होते जा रहे हैं, कहीं पुजारियों को मारा जा रहा है, कहीं हनुमान जी की मूर्तियां तोड़ी जा रही है। करौली में कहा मेटर है, पुजारी समाज को जिंदा जला दिया गया, उसके विरोध में भी ज्ञापन देने आए हैं। और एक काकरवा गांव है कपासन तहसील में, वहाँ गौशाला में हनुमान जी की मूर्ति अज्ञात लोगों ने तोड़ दी है पिछले सोमवार को, जो आज तक 7 दिन में कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए हम कलेक्टर साहब से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करके गिरफ्तारी की जाए। कौन से थाने में मामला दर्ज कराया था, इसकी शिकायत कहाँ की थी? कपासन थाने में। उसके बाद क्या हुआ? अभी तक कोई आश्वासन मिल रहा है कि हाँ 5-7 दिन में कार्रवाई करेंगे, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।